अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। देखें, हमने कोल तक पढ़ा था, उसके बाद जिप्सम था। तो जिप्सम रिजर्व्स आर सिचुएटेड एट मियांवाली। डेरा गाजी खान, कोहाट, रोहरी, कोयटा, सिबी। जिप्सम के रिजर्व्स जो है वो यहाँ यहाँ पाए जाते हैं, मियांवाली में, डेरा गाजी खान में, कोहाट में, रोहरी में, कोयटा में और सिबी में। बहुत क्वालिटेटिव जिप्सम एंड जी, आप क्वांटिटेटिव कुछ कह रहे हैं? और क्वांटिटेटिव टर्म्स होंगे। जैसे हेलो करते हेलो, कुछ पूछ रहे हैं नो मैम, जी? जिप्सम इज फाउंड इन अ लार्ज कंट्री इन पाकिस्तान, एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 5 to 6 billion टन्स। जिप्सम जो है वो 5 से 6 billion टन्स के दरमियान मौजूद है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, और जिप्सम की जो करंट प्रोडक्शन है वो 0.5 से 0.6 million टन्स है एक साल की। करेंटली जिप्सम इज मोस्टली यूज इज रॉ मटीरियल इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अहमियत रखता है, उसकी प्रोडक्शन में रॉ मटीरियल के लिए जिप्सम को यूज किया जाता है खाम माल के लिए। एंड फॉर सोइल इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जो सोइल इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, उसमें भी जिप्सम को यूज किया जाता है। जिप्सम डिपॉजिट्स ऑफ पाकिस्तान हैव रिमेन ऑलमोस्ट अनटैप्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, पर्टिकुलरली इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। जिप्सम के जो डिपॉजिट हैं वो अभी तक हमें कंप्लीटली इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंडस्ट्री में इसका कितना यूज है। बिल्डिंग इंडस्ट्री में दे आर जनरली ऑन द सरफेस लैंड देमसेल्व्स टू इकोनॉमिक ओपन कास्ट क्वेरिंग, मोर ओवर दे आर वेल कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैन बी डिवेलप्ड विदाउट एनी ह्यूज एक्सपेंडिचर। अब इसके बारे में बताया हुआ है कि जिप्सम की जो माइंस है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सरफेस पर ही होते हैं। और उसको हम डोमेस्टिकली यूसेज में भी ले आ सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिप्सम जो है वो प्लास्टर में भी यूज़ होता है, प्लास्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, स्टेट ऑफ आर्ट जिप्सम बोर्ड यूनिट और मशीनरी पूल फॉर जिप्सम सेक्टर, ये सारी जिप्सम की इन्वेस्टमेंट्स हैं। मशीनरी पूल वगैरह, देन जेम स्टोन। जेम स्टोन कीमती पत्थरों को कहते हैं। पाकिस्तान हैज बीन एंडोड विद एक्सटेंसिव रिजर्व्स ऑफ जेम स्टोन इंक्लूडिंग रेयर जेम स्टोन्स वैरायटी सच एज पिंक टोपाज ऑफ कैटलिंग मर्दान इज यूनिक एंड फेमस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये जो एक नाम हमें बताया है कि पिंक टोपाज, ये पूरी दुनिया में मर्दान में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है। जेम डिपोजिट्स आर मेनली लोकेटेड इन नदरन पार्ट्स, जनूबी एरिया में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान से जो मुल्हिक हैं रियाज वहाँ पर पाए जाते हैं कीमती पत्थर। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस वर्ल्ड टॉप क्वालिटी एमेरल्ड्स। अब दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कीमती पत्थर होते हैं पाकिस्तान में वो पैदा होते हैं। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि एमेरल्ड्स, एक्वामेरीन और टॉरमेलिन, रूबीज, क्वार्ट्स, टोपेज, गार्नेट और बहुत सारी इकसाम के जो जेम स्टोन है वो पाकिस्तान पाए जाते हैं। मोर देन 34 टाइप्स ऑफ जेम स्टोन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन गिलगित बल्तिस्तान। 34 टाइप्स से ज़्यादा कीमती
गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। सवात का जो एमेरल्ड है, एमेरल्ड इज द नेम ऑफ अ जेम स्टोन, वो दुनिया में अपनी क्वालिटी की वजह से मशहूर है, टॉप क्वालिटी की वजह से, कलर की वजह से, ठीक है, क्वालिटी की वजह से वो बहुत ही मशहूर है। ऑल्दो पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 30% ऑफ वर्ल्ड्स जेम स्टोन, इट्स शेयर इन ग्लोबल मार्केट इज निग्लिजिबल। कोई दुनिया में जितने भी जेम स्टोन है उसका 30% अगर पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड, वेरी अमेजिंग के पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा रेशियो शेयर कर रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में इतना खास इसका परसेंटेज नहीं है, पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट में 0.03% ट्रेडिंग में है, यानी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो बहुत ही कम है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुकाबले में, ठीक है। अब उसकी अपॉर्चुनिटीज बताई हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ देखें यूज कर सकते हैं, मॉडर्न जेम्स, लैपिडेटरीज और कटिंग, फेस्टिंग, पॉलिशिंग, यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। लो कॉन्फिग्रेशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ आउटडेटेड मैनेजमेंट टेक्निक्स, इन्हें डिकोड कैपिटल, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, कैपिटल नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उसकी वजह से क्या है कि ये जो सेक्टर है मिनरल का, इस पर तवज्जो अच्छी नहीं है, ठीक है। अब देखें इसके बाद जो है वो उन्होंने गैप एनालिसिस किया है और पाकिस्तान मिनरल सेक्टर इज स्टिल लैगिंग far behind the world's mineral market despite of having huge reserves and comparative advantage due to some interconnected cross-cutting issues across the sector. Some of the major key gaps in the mineral sector are detailed below. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चूंकि regulatory framework जो है वो पाकिस्तान का अच्छा नहीं है, infrastructure की सहूलियात नहीं है, human resources नहीं है और अप्रोचेस अच्छी नहीं है, आउटडेटेड हैं और फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस की एक्सेस नहीं है, इनकी वजह से ये मसाइल हैं। इसी वजह से जो है हम मिनरल की जो इंडस्ट्री है इसके ये मसाइल हैं, इसी वजह से पाकिस्तान इसमें आगे तरक्की नहीं कर सका है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी बताई है कि मिनरल सेक्टर डिवेलपमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात होनी चाहिए, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए, फाइनेंस की सहूलियात हो, एचआर डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपके सीआर को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी। तो सीआर की तरफ से ये कंप्लेन आ रही है कि भाई आपको मसला हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स के सारे लिंक्स मैंने सीआर को शेयर कर दिए हैं, वो आपके पास यकीनन होंगे तो उन पे फोकस कीजिएगा। इस पेपर में जो है मिनरल एंड माइन का जो पेपर है इसमें आपको रीड करना है, देखिए ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान मिनरल बेस से पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 20 तक आपको स्टडी करना है, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ 24 पेजेस आपको सिर्फ 10 पेजेस को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, ये आपका सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान। मिनरल्स एंड माइंस के बाद ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये पेपर है, देयर आर ओनली 12 पेजेस, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है।
Everyone recognizes that in today's world, transportation is a key element of global economy. दुनिया की जो मईशत है इसमें बुनियादी किरदार है इसका. It has changed the face of employment, trade, family, life, health care, bringing benefits that were unimaginable 100 years ago. ट्रांसपोर्ट अच्छी होने की वजह से तकरीबन एक सदी पहले जो चीजें हम इमेज नहीं कर सकते थे आज वो सब कुछ हम अपनी जी कुछ पूछ रहे हैं. हम सब कुछ अपनी लाइफ में, हेल्थ में, हर जगह इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के. हाउएवर द प्राइस वी आर पेइंग इन फॉर्म ऑफ रोड क्रैश, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी फॉर सच बेनिफिट्स इज टू हाई. लेकिन जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इनकी वजह से हमें इसकी बहुत ही ज्यादा एक कीमत देनी पड़ती है. द शॉक एंड ग्रीफ दीज इवेंट्स कॉज आर ऑल टू वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड. द इम्पैक्ट इज पर्टिकुलरली हाई इन पुअर कंट्रीज. गरीब जो ममालिक होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहां पर 90% जो है वो ये अकर होते हैं, बहुत होते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह वहां पर. ठीक है, तो देखें आगे क्या बता रहे हैं. अकॉर्डिंग टू नंदी, नंदी इज अ राइटर, इन आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड सेफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विच सपोर्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक रीजेनरेशन एंड इंश्योर्स गुड एक्सेस फॉर ऑल, which is operated to the highest standard to protect the environment and ensure quality of life. ek aisa transport system ideal system kehlata hai. ideal transport ka system wo hota hai jisme jo transport ka network hai, yani ke jo road ka system hai, jo transport ka system hai, उस तरह से इंटीग्रेटेड होना चाहिए आपस में कि वो माशर्ती तौर पे, माशी तौर पे आपको क्या करे, इंटीग्रेटेड सेफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विच सपोर्ट्स, जो आपको सपोर्ट कर रहा हो माशर्ती तौर पे भी, माशी तौर पे भी, यानी आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपका बिजनेस हो, आपकी मईशत हो, हर तरह से आपको सपोर्ट मिल रही हो उस इकोनॉमिक सिस्टम से, और उसकी वजह से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बेहतरी की तरफ आ जाए, आपकी जो क्वालिटी है लाइफ की, जो क्वालिटी है वो बेहतरी की तरफ आ जाए. ठीक है, लॉन्ग रन स्ट्रेटजी शुड बी टू मैनेज फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब इसके लिए ऑब्वियसली एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए. ठीक है, transportation network of any country is of vital importance to its development and affects all sectors. jitna acha transport hoga utni achhi development hogi. transport agar mehanga ho jata hai, misal ke taur pe agar petrol ya diesel hai wo mehanga ho jata hai, to kya hota hai bhai uska natija. बहुत सारे लोग आप लोगों में से आते होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर. कुछ आइडिया है आपको क्या होता है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाए तो क्या असरात होते हैं उसके मईशत पर, क्या असरात होंगे बताएं आप? एनीबडी नोस, पता है किसी को क्या असरात होते हैं अगर ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है तो? लोकल बसेस में घूमते तो हैं लेकिन इस चीज का गौर नहीं किया जी. देखें अगर ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिजनेस की वो हाई हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जो चीजें यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट हो रही है वो मटेरियल, फिनिश गुड्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह पे लोड होके आ रही हैं, जा रही हैं,
जब डीजल फ्यूल वगैरह ही महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, तो कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट महंगी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी जो प्राइस है गुड्स की, वो हाई हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में महंगाई आ जाती है जब ट्रांसपोर्ट की जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इंश्योर सेफ एंड टाइमली ट्रेवल, इनकरेजेस बिजनेस एक्टिविटीज, कट डाउन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाइल ग्रांटिंग प्रोड्यूसर्स एक्सेस टू मार्केट्स फॉर देयर गुड्स। अब ये सारी बिजनेस की बातें लिखी हुई हैं इसमें, कि एक अच्छी ट्रांसपोर्ट की वजह से ये बिजनेस को फायदे हो रहे हैं। द डायरेक्ट इम्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ऑन प्रोडक्शन एट रिमोट लोकेशंस इज डिराइव फ्रॉम थ्री इफेक्ट्स। तीन इफेक्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं। किस पर? प्रोडक्शन पर। देर आर थ्री इफेक्ट्स विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, थ्री इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोअरिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सबसे पहली बात है कि अच्छी ट्रांसपोर्ट जिसकी कॉस्ट कम हो, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सेकंड, इंक्रीज प्रोड्यूसर प्राइसेस, जो प्रोड्यूसर है उसके लिए मुनाफा अच्छा हो जाएगा, मुनाफे का उसके लिए एक अच्छा गैप रह जाएगा। जब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो मुनाफे का यानी प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगी, ठीक है, जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। देन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान आर मैनेज्ड बाय बिल्डिंग लार्जर एंड बेटर रोड्स। बाय कंट्रास्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इनकरेज यूजिंग लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस वगैरह जो हैं, की वजह से हम ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, और बेटर रोड्स की वजह से अच्छी बनती हैं। अगर रोड्स अच्छे होंगे सिटीज़ में तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो आसानी से ट्रेवल कर सकती है, यानी शहरी आबादी जो है उसको मसला नहीं होगा। अच्छा, बाकी देखें, यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। द ट्रांसपोर्ट इन जनरल एंड द रोड ट्रांसपोर्ट इन पर्टिकुलर इन पाकिस्तान इज फेसिंग क्रिटिकल इम्पेडिमेंट। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर, कुछ मसले हैं पाकिस्तान में, देखें, एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ क्लियर कट पॉलिसी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है ट्रांसपोर्ट में, यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है, हर चीज जो मुल्क में मौजूद है, हर सहूलत, हर चीज जिंदगी से रिलेटेड, हर चीज जो है वो आईन में उसका एक उसके मुतलिक एक कंसर्न मौजूद है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अहम हिस्सा है। आना जाना, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कहीं भी आपको आना जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट के बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है, तो अगर हुकूमत अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाएगी इन चीज़ों से रिलेटेड जो कि डेली लाइफ का हिस्सा है, तो डेली लाइफ किस तरीके से बेहतर होगी? तो सबसे पहला मसला ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। लैक ऑफ मॉडर्न मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। इफेक्टिव एंड एडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन में मौजूद जो है वो उसमें मौजूद नहीं है। अनरियलिस्टिक रेगुलेशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट की रेगुलेशंस, ट्रांसपोर्ट का फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है, हुकूमत की पॉलिसीज अच्छी नहीं बनी हुई, फाइनेंस नहीं है पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रांसपोर्ट की नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टिंग इन इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन नीड्स एंड ओवर सप्लाई ऑफ व्हीकल्स, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नीड्स भी बढ़ रही हैं, ये भी एक मसला है। लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को उधार की सहूलियात मुहैया नहीं है ट्रांसपोर्ट में। सीरियस रोड सेफ्टी प्रॉब्लम्स, रोड जो हैं वो वहाँ पर एक्सीडेंट होना, सेफ्टी ना होना, हिफाजत ना होना, ये आम बात है। एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर एक्सीडेंट कंपनसेशन, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको किस तरह से कंपनसेट करना है, उसका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। और इसके बाद आप देखें प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल व्हीकल्स, अब ये जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं यानी बाइक्स वगैरह, इनकी वजह से भी ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गलत रुख से आना, यू टर्न ना हो तो भी यू टर्न ले लेना, जहाँ पे यू टर्न मना है वहाँ भी वो यू टर्न ले लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट की जो एजेंसीज हैं उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट कंसेशन, अब आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं पॉइंट्स वगैरह भी होंगे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो उनकी जो है ना वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है ट्रांसपोर्ट में। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स पर्टिकुलर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन शॉर्टेज फॉर फीमेल पॉपुलेशन, और यहाँ भी बताया हुआ है कि जो वीमेन वर्कर्स हैं, जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अच्छी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नहीं है। पुअर फ्लीट मेंटेनेंस अरेंजमेंट, मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है कि वो प्लानिंग करें ट्रांसपोर्ट के लिए, क्वालिटी मैन पावर नहीं है फॉर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस में जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो अच्छी नहीं है। एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको कोई फॉलो नहीं करता है पाकिस्तान में, जबकि गैर ममालिक में ऐसा नहीं होता। ट्रैफिक के कानूनों को तोड़ना एक अखलाकी तौर पर और मुल्की मैार पर एक जुर्म समझा जाता है, पाकिस्तान में उसको फॉलो नहीं किया जाता। एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी ट्रांसपोर्ट में, स्ट्रीट्स में हम आते जाते हैं, स्ट्रीट्स में बहुत ही गंदगी होती है, ठीक है, ख़ास तौर पे गलियों में, और रोड पर भी कचरे के ढेर जमा होना, ये भी एक मसला है। इनएडिक्वेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट के जो प्रोफेशनल होते हैं हर फील्ड में जिस तरह प्रोफेशनल होते हैं तो ट्रांसपोर्ट में भी प्रोफेशनल होते हैं, तो पाकिस्तान में जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं है। अब देखें इसके बाद आगे कुछ क्रिटिकल इश्यूज बताए हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं ट्रांसपोर्ट की डिवेलपमेंट पर। ये क्रिटिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं भाई, सबसे पहले पॉलिसीज हैं, देखें दिस इज फॉरमोस्ट अमंग द क्रिटिकल इश्यूज अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। वी आर कंटिन्यूसली हैविंग अ कंट्रोवर्सी अमंग द प्रोफेशनल्स पॉलिसी मेकर्स ओवर द इंटर मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का बहाव किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी, इस पर जो है वो एक क्या है प्रोफेशनल्स ट्रांसपोर्ट के और पॉलिसी मेकर्स
ये हमेशा से इसमें जो है वो मसले का शिकार हैं. द रोल एंड सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स विच फॉर्म द बेसिस फॉर द नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. हम किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, मोड्स क्या हैं ट्रांसपोर्ट के, नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. एवरी मोड हैज़ इट्स ओन रोल. रेलवेज, अब मोड तो बहुत सारे हैं. देखिए, एक सी मोड है, यानी दरिया का जो सिस्टम है जहाँ पे पानी के जहाज काम कर रहे हैं. एक रोड का मोड है जहाँ पे गाड़ियाँ और बाइक वगैरह हैं, ट्रक के व्हीकल्स हैं. एक रेलवे है, ठीक है, और एक हमारे पास एयरवे है जहाँ पे एयरप्लेन्स वगैरह हैं. तो मोड्स हमारे पास हैं और पाइपलाइंस भी हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट में आती हैं जिनके ज़रिए आप गैस और ऑयल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हो. रेलवे इज डिजाइंड एंड सूटेड फॉर लॉन्ग हॉल्स. रेलवेज जो हैं उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, लॉन्ग होल्स यानी कि लंबी, इसके लिए जो है ना वो हमें प्लानिंग चाहिए. इन पाकिस्तान इट इज अंडरस्टूड दैट 80% ऑफ रेलवे हॉल्स इज 50 किलोमीटर और लेस. अब वो फासले जो 50 किलोमीटर के हैं या कम के हैं, रेलवे वहाँ पे सूट करती है, 80% वहाँ पे सूट करते हैं. एंड शॉर्ट हॉल्स रेलवे इज इनएफिशिएंट. अगर फासला कम होगा तो रेलवे एफिशिएंट नहीं है और रेलवे जो है वो वहाँ पर हमें उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी. रेलवे का सिस्टम, ट्रेन का सिस्टम वहाँ पे एफिशिएंट है जहाँ 50 किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, वहाँ पर आप रेल की पटरी बिछाएं तो वहाँ पे वो एफिशिएंटली काम करेगा और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी कम कर देगा. रेलवे सिस्टम्स टू बी प्लान्ड एंड एस्टेब्लिश्ड ऑन द नंबर ऑफ लॉन्ग हॉल्स बोथ फॉर कैरिंग पैसेंजर्स एंड फ्रेट. जो पैसेंजर हैं, मुसाफिर हैं, उनके लिए भी फिर सही रहेगा, ठीक है. अब देखें यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है लोगों ने. टुडे द यहाँ पर इन लोगों ने ये बताया हुआ है वही कि करप्शन है पाकिस्तान में और रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, इस वजह से रेलवे को जो है ना वो इतना अप्रिशिएट नहीं किया है. इन द पास्ट 80% ऑफ द लोड वॉज टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर वाइल द पब्लिक सेक्टर टुक 20% ओनली. नाउ पब्लिक सेक्टर इज हार्डली टेकिंग एनी लोड. अब ये जो रेलवे का सेक्टर है ये पब्लिक सेक्टर में आता है. कहते हैं कि माजी में ये 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही लोड उसको कर रहा है, उठा रहा है, और पब्लिक सेक्टर यानी रेलवे सिर्फ 20% ले रहा है. और अब इसका कोई खास ऐसा रोल नहीं है, यानी रेलवे इसको यूज नहीं किया जा रहा है. कंट्रोल ऑन द फेयर्स इज अनदर प्रॉब्लम which is adversely affecting the efficiency of the private sector. अब किराए का भी किरदार है कि किराया कितना है. किराया कम होता है लेकिन एफिशिएंसी नहीं होती है पब्लिक सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी होती है, किराया ज़्यादा होता है. तो इस तरीके से ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज है पब्लिक सेक्टर का कि वहाँ पर किराया तो कम है और प्राइवेट सेक्टर में किराया ज़्यादा है. तो एफिशिएंसी को जो अफेक्ट करता है वो किराया अफेक्ट कर रहा है, रेंट अफेक्ट कर रहा है. ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स द कॉस्ट ऑफ टायर्स ट्यूब्स गैस पार्ट्स हैज इंक्रीज. पिछले सालों में ये जो गैस के पार्ट्स, गैस वगैरह हैं, ट्यूब्स हैं, जो पार्ट्स हैं व्हीकल्स के, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ गई है. और यही वजह है कि 35 से जो 60% है
बस ट्रांसपोर्ट वो कम हो गई है लोअर देन व्हाट वुड बी रीजनेबली लेवल, क्योंकि किराया बढ़ गया है। तो देखें इसमें दूसरा मसला इसी में बताया हुआ है कि व्हीकल मिक्स है। इन द पास्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ओमनी बसेस इन सिटीज ऑपरेटेड विद गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब ये जो ओमनी बसेस हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से थी लाहौर वगैरह में, ये क्यों फेल हो गई? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, प्लानिंग अच्छी नहीं थी। वन ऑफ द सजेशन टू सॉल्व द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इन सिटी इज ऑलवेज टू एलिमिनेट रिक्शॉज एंड मिनी बसेस, देन देयर इज अ डिमांड फॉर अंडरग्राउंड रेल। अब क्या कहते हैं भाई कि अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग को बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो रिक्शॉज को, चिंग चीज वगैरह को खत्म कर दिया जाए। कहते हैं कि ये हमेशा से ये एक सजेशन रही है कि मिनी बसेस को, सुजुकी को, रिक्शॉज वगैरह को खत्म कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स हैं उनको सपोर्ट हासिल हो सके। बट आई डोंट थिंक, आई थिंक के अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज की, अपनी बसेस की, बसेस गवर्नमेंट ला रही है, वो ओमनी बसेस हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, अंडरग्राउंड रेल हो या फिर ऑरेंज बसेस हो, जो भी हो, अगर सर्विस अच्छी होगी तो कंज्यूमर खुद ही उसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड रेल है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है, ये भी पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं कर रहा है। देयर इज अनदर ट्रांसपोर्टेशन क्रिटिकल इशू। रिसर्च और डेवलपमेंट पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, इसी वजह से भी पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, फाइनेंस अच्छा नहीं है, फाइनेंस की सहूलियात अच्छी नहीं है, सेफ्टी के इश्यूज हैं और अनयूजुअल ट्रांसपोर्टेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स और प्लानिंग अच्छी नहीं है, ये सब कुछ मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में।
मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। तुम लोगों के पास मैम की आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही। सही है सही। हेलो शिराज भाई, कैसे हो? मैंने आपको पार्टिसिपेंट में देखा, आप क्लास ले रहे हैं शिराज भाई। शिराज भाई जी भाई, अल्लाह कैसे हो भाई? का शुक्र है। मजे में? आओ नाश्ता करो। आज बाइक खराब नहीं हुई तुम्हारी? नहीं यार, पड़ी हुई है। यार मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है शिराज भाई, यकीन मानो दिल से अच्छी लगती है। आपको मिल गया लिंक मेरे टिकटॉक का? हाँ मुझे मिल गया। अभी मैंने बोला iPhone 11 Pro Max। हाँ, आप तो सब बोलोगे। वैसी बाकी में एक्टिंग आप बहुत अच्छी करते हो यार। आप बॉलीवुड मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए बंदे को। नहीं, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते? वेलकम बैक। ओके, यहाँ पर आप देखें, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये इसके कुछ बताए हुए थे कि भाई ये अंडरग्राउंड रेल्स वगैरह ये सब मसाइल हैं, इनके सेफ्टी के इशू हैं। और अच्छा, ये छोटा सा एक पेपर है, ये आपके सीआर को मैं भेज दूंगी। काफी तो स्टडी हमने कर लिया है इसको, बहुत ही आसान है, तो आप इसको रीड रीड कीजिएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आप करिएगा, ठीक है? मैम कोर्स आउटलाइन काइंडली भेज दी ताकि उस जी हिसाब से जरूर, तैयारी करूँ। वो आपको भेज दूंगी मैं, ठीक है।